हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और हम जा रहे हैं चीज चाइनीज और मसाला डोसा बनाने। चलो दोस्तों, हम तवा को सफा कर लेते हैं पानी डाल के अच्छे से। चलिए दोस्तों, अपना तवा सफा हो गया है। अब डोसे का बैटर डालते हैं तवे में। चलिए दोस्तों, डोसे का बैटर डाल दिया है तवे में और चम्मच से पूरे डोसे को अच्छे से घुमाते हैं। पूरे डोसे में पेपर डोसा घुमा देते हैं, पूरे आटे को पूरे डोसे में लपेट देते हैं, अपने डोसे का बैटर है जो। चलिए दोस्तों, दूसरे डोसे को भी घुमा देते हैं और आप लोग देखते रहो दोस्तों। इतना सा स्टैंड आ जाए। चलो दोस्तों, जब तक हम डोसा बनाते हैं तब तक आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, हमारा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो दोस्तों, और सभी लोगों को शेयर करो दोस्तों। अरे गाड़ी में पड़ा है। और दोस्तों, अब लगाते हैं इसमें बटर। इतना तो बहुत हो गया है। चलो दोस्तों, डोसे का बटर लगा देते हैं। अब डोसे में, पूरे डोसे में बटर लगाते हैं। हाँ, वीडियो आ जाएगा, चेहरा भी आ जाएगा। ऐसे रखूँ मैं इतना तो तेरा चेहरा और दोनों तवा भी सब आ जाए। चलिए दोस्तों, डोसे में पूरे में बटर लगा देते हैं, अच्छे चुपड़ देते हैं। और कट करके डालते हैं बटर चाइनीज डोसे में। चीज चाइनीज डोसे में बटर कट करके डाल दिया है। चलो दोस्तों, इसमें डालते हैं प्याज चाइनीज डोसे में, और शिमला मिर्च डाल दिया है दोस्तों, और पत्ता गोभी डालते हैं। चलो दोस्तों, अब बीट डालते हैं इसमें, और इसमें थोड़ा सा गाजर भी डाल देते हैं चीज चाइनीज डोसे में। चलिए दोस्तों, अब इसमें डालते हैं नूडल्स, थोड़ा सा नूडल्स भी डालते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें डालते हैं सीजवन चटनी, अपना लहसुन और अदरक और मिर्ची की चटनी होती है दोस्तों, फुल स्पाइसी चटनी होती है। अब इसमें डालते हैं चिल्ली सॉस दोस्तों, डाल देते हैं, और डालते हैं थोड़ा टमाटर सॉस दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी पूरा रेडी हो चुका है। अब इसमें डालते हैं मसाला डोसे में, प्याज डालते हैं और हरा प्याज डाल देते हैं दोस्तों, और धनिया डालते हैं। चलो दोस्तों, थोड़ा टमाटर भी डाल देते हैं और आलू का मसाला डालते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, अब गरम मसाला डालते हैं दोनों डोसे में, और धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। चलिए दोस्तों, नमक डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, और करते हैं इसको प्रेस। चलो मसाला डोसा को प्रेस कर देते हैं अच्छे से। मसाला डोसे को प्रेस करते हैं अच्छे से। चलिए दोस्तों, अब चाइनीज डोसा को भी प्रेस करते हैं, मिक्स करते हैं पूरा वेजिटेबल को। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अपना वेजिटेबल पूरा मिक्स हो चुका है, और पलटे से पूरे डोसे में लपेट देते हैं। चलिए दोस्तों, मसाला डोसा को पहले पूरे डोसे में लपेटते हैं। चलिए दोस्तों, मसाला डोसा अपना रेडी हो चुका है, उसको निकाल देते हैं पहले। कट करके पार्सल करते हैं दोस्तों, तीन पीस में। बढ़िया कड़क कड़क डोसा बनाया, कुरकुरा डोसा। चलो दोस्तों, इसको भी लगा देते हैं, कंटेनर पार्सल कर देते हैं। देखो दोस्तों, अपना चाइनीज डोसा है, पूरा वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो चुका है, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों। पूरे डोसे में चलो लपेट देते हैं, पूरा वेजिटेबल को अच्छे से चिपका देते हैं, फैला देते हैं मतलब। चलो दोस्तों, अपना चाइनीज डोसा है, चाइनीज डोसा तो चीज़ आप घिस देते हैं पूरे डोसा में, गटर करते हैं चीज़ को। मैं पीछे तक क्यों लिया था? पूरे डोसे में चलो चीज़ पड़ चुका है दोस्तों। ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता है। चलो अब थोड़ा इसमें डालते हैं हरा प्याज। चलिए दोस्तों, अपना प्याज भी डाल दिया है इसमें हरा वाला, और डोसे को हम निकालते हैं। चलो दोस्तों, देखो कितना अच्छे से पक चुका है, और इसको अब कट करते हैं चार पीस में, टेबल के लिए दोस्तों, इसको चार पीस में कट करेंगे। चलो दोस्तों, अब इसको निकालते हैं डिश में।
चलिए दोस्तों अपना डोसा पूरा रेडी हो चुका है, अब निकालते हैं इसको डिश में। निकाल दिया है और चलो साइड में रखते हैं। चलिए दोस्तों ऊपर से इसमें चीज गिर देते हैं और ऊपर से हरा प्याज मारते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।